हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है, कल मैं आया था नैनीताल, तो आज मैं यहीं पे हूँ और नैनीताल में कल यहीं पे रुका था। तो आज हमें जाना है वापस घर। तो अभी वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं, नैनीताल की इन हसीन वादियों से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल की हसीन वादियों से। जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम तो मैंने बता ही दिया। तो आज हमें जाना है घर को। सबसे पहले मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से नैनीताल का। फाइनली अब हम जाने के लिए तैयार हैं। बुआ जी ने हमारा सामान पैक कर दिया। बुआ जी काफी खुश हैं हमारे यहाँ आने से। चलते हैं फिर बुआ जी। हाँ, फिर आते रहना और सही ढंग से वो करना। गंगा बहने के तेरे प्रोग्राम तो हम देखते रहते हैं। बुआ जी देखती रहती हैं मेरे को यूट्यूब पे अक्सर। मुकेश भैया सोए हैं। जीते रहो जीते रहो। दादी सोए हैं। बुआ जी को बाय 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 बाय। अभी ये जो सामान है ये बाइक पे एडजस्ट करना पड़ेगा। देन पहले एडजस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये कट्टा मैंने बांध दिया यहाँ पे, इसको गंगा बहनी पकड़ के रखेगी। बाकी बैग गंगा बहनी को दे दिया। अब निकलते हैं हम जल्द से। तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट नैनीताल का। अभी गंगा बहनी और मैं भी यहाँ पे सेल्फी खींचेंगे। ओके तो यहाँ से काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है। यहाँ पे व्यू पॉइंट और सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पे गंगा बहनी और मैंने भी खींचा थी सेल्फी, खींची फोटो ली। अब हम निकलना चाहिए हमें यहाँ से। तो यहाँ से हम निकलेंगे भवाली और भवाली से भीमताल, देन वहाँ से डिवाइडेड होता है रूट। सो गाइस, अभी हम पहुँच गए खुचानी और यहाँ से रास्ता डिवाइड हो जाता है हमारे गाँव के लिए और हल्द्वानी के लिए। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से हल्द्वानी बिकॉज मेरा कोई काम है और गंगा बहनी यहाँ से जाएगी इधर। थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाड़ी का आने के लिए। ओके, चली जाएगी ना कहीं। ओके, तो आज मैं और मेरा दोस्त आ चुके हैं। दोस्त कह रहे कि तू ब्लॉग शूट कर, बट मैं कर रहा हूँ। और हम अपने साथ लाए एक छोटे से पप्पी को, आपको दिखाता हूँ अभी। सो गाइज, ये वो पप्पी अभी सो रहा है, काफ़ी ट्रैवल कर गया उसने। तो इस वाली पेटी में हम उसे पैक करके लाए हैं। तो अभी हम रुके हैं मैं और देविन भाई यहाँ पे सलड़ी पे पराठा खाने के लिए। यहाँ का पराठा स्पेशल, आप देख चुके देख सकते कितना बड़ा पराठा है। एक पराठे से आपका पेट भर जाएगा। पराठे के साथ आपको मिलेगा दही, दाल और छोले। ठीक है, तो खाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से एक नंबर व्यू दिखता नीचे का। ये एरिया अमृतपुर, कभी आइए विजिट करिए इस एरिया पे, काफ़ी अच्छा है। गौरव भाई मतलब फुल मजे ले रहे हैं। एक नंबर क्वालिटी भाई साहब पराठे। और मंगाओ क्या? पेट भर गया मेरा भुक्कड़ साले। और जिम्मी बेचारा वहाँ बैठा है, अकेले से खाना भी नहीं खिलाया हमें, तो उसके लिए आ रहा है, दूध ऑर्डर कर रखा है, उसके लिए दूध आएगा। फाइनली जिम्मी के लिए भी दूध आ चुका है और जिम्मी ने दूध पी भी लिया। देखो, और जिम्मी देख रहा है आपको, जिम्मी जिम्मी। और अब उसे आ गई नींद और सो गया। और ये है रेस्टोरेंट। देवेन भाई गए बिल पे करने और उसके बाद निकलते हैं। खाना वाना हो चुका है अपना पूरा। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में जहाँ से देवेन भाई उठाते हैं रोज़ बुरांस के फूल। तो वहीं पे हमने डिसाइड किया कि थोड़ा कुछ ठंडा वंडा पी ले करके, और हम लाए हैं अपने साथ ये फैंटा लाए हैं। और देवेन भाई अपने देख सकते हैं आप। और हमने जिम्मी को थोड़ी देर रिलैक्स के लिए छोड़ दिया है, उसके लिए हम बिस्किट विस्किट लाए हैं, बट वो बिस्किट खा नहीं रहा है अभी, वो मज़े कर रहे हैं वहाँ पर। आप देख सकते हैं, देखो जिम्मी। सो जिम्मी अभी देखो कितना इन्जॉय कर रहा है, मस्त करके खेल रहे हो। और मैं और देवेन भाई पी रहे हैं फैंटा। काफ़ी प्यास लग गई थी और गाइज यहाँ ठंड भी हो रही, हल्द्वानी के मुकाबले तो काफ़ी ठंड है फिर भी। और देवेन भाई मज़े से चाव से खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो गाइज, वो है जैसे भीमताल का सुसाइड पॉइंट है, और अपने यहाँ भी है एक सुसाइड पॉइंट, बट यहाँ अभी कोई आता नहीं है, बहुत ही कम लोगों को पता है यहाँ का सुसाइड पॉइंट। और ये है बगडवार की नीचे धार में, वो देख सकते हैं आप, ये सुसाइड पॉइंट है और यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है। तो हम बैठे हैं अभी ऐसी धार में, देवेन भाई मज़े से खाने।
और जिम्मी फुल इंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। जिम्मी 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 लो जिम्मी जिम्मी बिस्किट जिम्मी बिस्किट। सो गाइस जिम्मी अभी बिस्किट खा नहीं रहा, उसे अभी डांस करने का मन कर रहा है। और यहाँ देवेन भाई देवेन भाई करे फोटो शूट। सो फाइनली गाइस मैं और देवेन भाई पहुँच चुके हैं। आज देवेन भाई आए हैं मेरे घर, और मेरे घर कुछ ऐसा दिखता है मेरा घर, आप देख सकते हैं ये देखो एक नंबर। यहाँ पे ये पूरा एरिया मेरे घर का है, वो वहाँ से लेके वहाँ तक सारा सारा अपना ही घर है। कभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे हम आपको। और ये है देवेन भाई कबूतर भी, और यहाँ पे काफ़ी चिड़िया भी आई हुई दिखा। तो इस बार पिताजी ने काफ़ी फूल वूल लगा के बढ़िया बना रखा है, मस्त बना रखा है, बिल्कुल फूल वूल लगा रखे हैं। और ये हो रहा है लहसुन, ये लहसुन, ये मेथी लगा रखी है बढ़िया करके, और जौ इतने बड़े हो चुके हैं। और ये सामने जस्ट मेरे घर के सामने रोड है यहीं पे। तो फाइनली गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने शॉर्ट ब्लॉग बना रखा है क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा हमको। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए प्लीज़ गाइस। ओके बाय। ओके।